दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करते हैं एक नए विषय पर। ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से हम लेके चल रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग हटके भी साधनाएं हैं और बहुत ही शक्तिशाली साधनाएं पूर्व काल में प्रचलित थी। हमारी सनातन परंपरा में बहुत ही बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का आवाहन किया जाता था और उनको प्राप्त भी कर लिया जाता था। हालांकि उसमें काफ़ी वर्षों की साधना लगती थी, लेकिन ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती थी जिन अस्त्र शस्त्रों का मुकाबला दुनिया की कोई भी ताकत या चीज़ नहीं कर पाती थी। तो हमारे एक दर्शक हैं वीरेंद्र त्यागी जी, उन्होंने साधनाएं कुछ भेजी हैं और बताया कि कोशिश की है कि ये सब साधनाओं के बारे में आप बताइए, और ये उसका जो टेक्स्ट है थोड़ा बहुत उन्होंने भेजा है और बाकी मैं उसको पूरा करके अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज़ है वो और उसकी साधनाएं किस प्रकार से संपन्न की जा सकती हैं। तो इसी में से उन्होंने कहा था, पाशुपतास्त्र मंत्र दिया था उन्होंने कि ये मंत्र है और इसकी साधना के बारे में बताइए और इसके बारे में भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आज इसी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाशुपत। तो पाशुपत अस्त्र जो है, इसको पाशुपतास्त्र भी कहते हैं, बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र माना जाता है। यह अस्त्र इस तरह का है जिसकी सामर्थ्य विनाश में बहुत बड़ी मानी जाती है, बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं दैवी अस्त्रों का जब नाम लिया जाता है तो उसमें भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान विष्णु के चक्र का विशेष रूप से नाम लिया जाता है। तो जो त्रिशूल है उसे भी पाशुपतास्त्र के रूप में माना जाता है। तीन प्रकार के शूलों का नाश करने वाला त्रिशूल होता है। इसी प्रकार पाशुपतास्त्र जो है वो भगवान शिव, माता शक्ति और काल, कली जिसे कहते हैं, इन तीनों देवताओं की मन, आंखें और शब्द या फिर जो है आवाहन करके वो अपने तीर पे या किसी भी चीज़ पे वो बुला सकते हैं। इन चीज़ों में वो इस शक्ति को अपनी प्रकट कर सकते हैं, यानी कि अपने मन में, आंखों में, शब्दों में या फिर कोई अस्त्र उसके ऊपर भी उस अस्त्र की शक्ति को बुलाया जा सकता था। तो ये तीन शक्तियाँ ही केवल इसको धारण कर सकती थी, यानी भगवान शिव, माता शक्ति और कली। भगवान महादेव जो हैं इसका उपयोग दुनिया का विनाश करने के लिए करते हैं। जब वो देख लेते हैं कि पृथ्वी या बाकी जितना भी ब्रह्मांड है वो अपने चरम स्तर को पहुंच चुका है, उसकी प्रक्रिया समाप्त होने की अवस्था में है, तो उस वक्त भगवान शिव इस अस्त्र का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र है और ये तक भी कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा विध्वंसकारी इसको माना जाता है। इसको इसीलिए इसको पाशुपत अस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। पाशुपत अस्त्र जो है बहुत ही ताकतवर है और अपनी सामर्थ्य में करोड़ गुना विध्वंस करने वाला है। मतलब कि इसकी विध्वंस क्षमता के बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ये विध्वंस कर सकता है। कहते हैं कि पाशुपत जो शब्द है उसका अर्थ होता है शिव या वो जो भी जो जीवित भगवान के स्वरूप में है। लेकिन पाशुपत के सामने कोई जीवित हो या मृत चीज हो, कोई भी उन्हें चीज नहीं टिक सकती। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र को भी ये खा जाता है, यानी कि कोई भी अस्त्र शस्त्र के सामने टिक नहीं सकता है। पुराणों में जो है इसका वर्णन किया जाता है कि जब ये प्रकट होता है तो इसके रूप स्वरूप इस तरह से होता है कि पाशुपतास्त्र जो होता है वो दिखता जब है तो उसका एक पैर होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं, 1000 सर होते हैं, 1000 धड़ होते हैं, 1000 आंखें होती हैं और हाथ होते हैं, 1000 जिह्वाएं होती हैं। ये सब अग्नि की वर्षा करती हैं, ये शक्तियाँ सब एक साथ मिलकर आग बरसाती हैं। तो इतना भयानक रूप स्वरूप इस अस्त्र का दिखाई पड़ता है। ये अस्त्र तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है, यानी कि स्वर्ग को भी, पृथ्वी को भी और पाताल को भी, तीनों को नष्ट करने की शक्ति ये रखता है और बहुत ही भयानक इस अस्त्र को माना जाता है। महाभारत के युद्ध से पहले हम लोग जानते हैं कि अर्जुन ने जो है महादेव से इस शस्त्र को प्राप्त किया था। तो इसके लिए उसने 10 वर्ष तक लगभग तपस्या की थी और वन में जा करके, तो एक वहाँ पर एक जब सुअर आता है, सुअर कोशिश करता है कि किसी प्रकार से ध्यान भटकाए अर्जुन का, तो अर्जुन एक ही बाण से उस सुअर को भेद देता है। उसी समय वहाँ पर भगवान शिव प्रकट होते हैं दूसरे रूप में, किरात के रूप में, और वो
उसकी उनकी परीक्षा लेते हैं, तब वो कहते हैं कि मैं जो भी बाण छोड़ूंगा वो तुम्हारे बाण के पीछे होगा और जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। तो अर्जुन जितने भी बाण चलाता है तो भगवान शिव का बाण उनके पीछे से जा करके उस बाण को बीच से छेदता हुआ आगे निकल जाता है और जिस लक्ष्य पे पहुंचना होता है पहले भगवान शिव का ही बाण पहुंचता है। तो वो क्रीता अर्जुनियम नाम से एक ग्रंथ है, उसमें आपको एक कथा पढ़ने को मिल जाती है कि किस प्रकार से पाशुपत अस्त्र जो है अर्जुन बड़ी ही तपस्या के बाद और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद की वजह से ही वो प्राप्त कर पाता है भगवान शिव से, और भगवान शिव उसकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर के उसे पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। इसके बाद जब अर्जुन को पाशुपत दे दिया गया था तो भगवान शिव ने अर्जुन से कहा था कि ये शस्त्र जो है किसी भी मनुष्य, देवता, देवताओं के राजा, यम, यक्षों के राजा और वरुण किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि ये तुम्हारे पास अभूतपूर्व अस्त्र है जो इस समय पृथ्वी पर और किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। महाभारत युद्ध के दौरान कहा जाता है कर्ण के साथ भी पाशुपत का अस्त्र का उल्लेख मिलता है, लेकिन कर्ण का पाशुपत अर्जुन के पाशुपत से छोटा या उसका कोई छोटा स्वरूप रहा होगा, उसने भी साधना करके उसे प्राप्त किया था, लेकिन जिस भीषण अस्त्र पाशुपत को अर्जुन ने प्राप्त किया था उसकी काट किसी के पास भी नहीं थी। कहते हैं इस अस्त्र को योद्धा किसी के ताकतवर दुश्मन पर चलाएगा तो तीनों लोकों की में चल अचल सभी चीजों को नष्ट कर देता है। ये कहते हैं इसीलिए बहुत ही ज्यादा ये भयानक माना जाता है। महाभारत काल में अर्जुन अकेला इंसान था जिसको पाशुपत अस्त्र का मंत्र मालूम था। उस जमाने में जो भी साधनाएं की जाती थी उसके बाद वो मंत्र जब सिद्ध हो जाते तो उस मंत्र को जब तीर पर चढ़ करके बताया जाता था, उस पर पढ़ा जाता था, केवल एक बार पढ़ने मात्र से उस तीर में वो शक्ति आ जाती थी उस अस्त्र की। महाभारत में एक और अस्त्र पाशुपत का उल्लेख है जो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को पता था, पर शायद ये दूसरा अस्त्र शस्त्र रहा होगा, ये पाशुपत छोटा पाशुपत रहा होगा, क्योंकि भिन्न भिन्न रूपों की शक्तियों के भी भिन्न भिन्न अलग अलग अंश शक्तियां भी होती थीं और ये सब भी लोग उस समान में सिद्ध कर लिया करते थे। भगवान शिव सबसे विद्वत्सारी अस्त्र जो है पाशुपतास्त्र माना जाता है और यह रुद्रास्त्र से और महेश्वरास्त्र से भी कम ताकतवर था, लेकिन ये माना जाता है ये बहुत ही भयानक अस्त्र था और पाशुपत अस्त्र इन दोनों अस्त्रों से भी ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ये दब उसके आगे थोड़ा कम ही शक्ति रखते थे, यानी उनकी शक्ति कम थी पाशुपत अस्त्र से भी। तो कहते हैं कि भगवान महादेव पाशुपत को आँखों से, दिल से और शब्दों से आप मतलब पुकार सकते हैं, पुकार करके उसको बुला सकते हैं। तब पर उन्होंने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र जो है दिव्य तीर और धनुष के रूप में प्रदान किया था, क्योंकि जो भी धनुष बाण जो भी शक्तियाँ होती हैं वो उस जमाने में जब धारण की जाती थी तो उनको उन्हीं शक्तियों को उन बाणों के ऊपर ले लिया जाता था और वो शक्तिशाली वही बाण साधारण बाण जो है वो बहुत ही शक्तिशाली और भयंकरतम भयंकर रूप धारण कर लेता था। अर्जुन ने इसी जो है शस्त्र से जयद्रथ का वध किया था और जयद्रथ के बारे में कहा भी जाता था कि जयद्रथ का वध संभव नहीं था। कारण यह था कि उसके जो पिता थे वो बहुत दूर जो है एक पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र की मृत्यु तभी होगी जब कोई उसका सर काटकर मेरी गोदी में डाल देगा। तो इसीलिए वो अपने पुत्र से काफ़ी दूर रहा करते थे। तो जब वो काफ़ी दूर थे तो उन्होंने सोचा कि इस प्रकार जयद्रथ कभी नहीं मारा जाएगा, क्योंकि कोई यहाँ आकर के उसके सर को तुरंत कौन ला के डाल देगा, एक क्षण में जो डाल देगा केवल वही तभी जयद्रथ की मृत्यु होगी। तो जब इन्होंने उसके ऊपर चलाया था अस्त्र तो बहुत ही भयंकरतम रूप में उसने उसका सिर काट करके और सीधा सीधा जा करके उसके पिता की गोद में गिरा दिया एक ही क्षण में। तो वो हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों पर जो है तपस्या कर रहे थे उनकी गोद में जा करके वो सिर गिरा और उसको देखकर ही वो समझ गए कि अब जयद्रथ का वध हो चुका है, क्योंकि ये जयद्रथ का सिर मेरी गोद में आकर गिर गया है। तो इसीलिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। कहते हैं कि रामायण युद्ध के समय रावण पुत्र मेघनाद ने इस अस्त्र का उपयोग लक्ष्मण पर किया था, पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार देखा जाए तो ये उनसे मिलता जुलता था या नहीं था इस संबंध में बहुत क्लियर नहीं पता चलता है। लेकिन उस समय जब इसका प्रयोग मेघनाद ने इन में जो है लक्ष्मण जी के ऊपर किया था तो सबसे बड़ी बात क्या हुई थी घटित कि ये अस्त्र वहाँ पर जाकर के परिक्रमा करके के अपने लोग को लौट गया था। तो क्योंकि भगवान की माया थी इस वजह से उस अस्त्र ने इनको विध्वंस नहीं किया था, बल्कि वो चारों तरफ उनकी परिक्रमा करके के अपने लोग को लौट गया था। अगर वो
रुकता नहीं, अगर भगवान की माया नहीं होती या भगवान स्वयं साथ में ना खड़े होते तो अस्त्र जो था, चलाया जाने वाला अस्त्र उस समय विध्वंस करता और तब लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती। लेकिन क्योंकि भगवान की माया है, पृथ्वी पर वो आए हुए हैं, तो भगवान शिव स्वयं ही आकर के लक्ष्मण जी के सामने खड़े हो गए होंगे और उन्होंने ही उसे अस्त्र को अपनी चारों ओर परिक्रमा करने दी होगी और उसके बाद फिर में स्वयं में ही विलीन कर दिया होगा। तो इसीलिए उस वक्त इंद्रजीत ने, यानी कि मेघनाद ने जो वस्त्र चलाया था, उसका कोई भी असर लक्ष्मण जी के ऊपर नहीं पड़ा था। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या इस तरह की सबसे बड़ी खासियत क्या है और किस तरह से इसकी साधना उपासना की जाती है। तो इस संबंध में जो इसका मंत्र है, वो मंत्र है ओम श्लिंग पशु हुम फट, ओम श्लिंग पशु हुम फट, ये मंत्र है। इस मंत्र का जो विनियोग है आप इस तरह से करेंगे, ओम अस मंत्र से ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद पाशुपतास्त्र रूप पशुपति देवता सर्वत्र यशो विजय लाभार्थे जबे विनियोगा कह के पानी आप अपने जल का जो है कमंडल से नीचे गिरा देंगे। षडंगान्यास इस तरह से करेंगे, ओम हुम फट हृदयाय नमः, श्लिंग हुम फट शिरसे स्वाहा, ओम हुम फट शिखाय वशट, ओम शुम हुम फट कवचाय हुम, हुम हुम फट नैनित्राय वशट, फट हुम फट अस्त्राय फट। तो इस तरह से आप जिस तरह षडंग न्यास अपने अंगों का न्यास किया जाता है वो आप यहाँ से करेंगे। और फिर नीचे मैंने ध्यान मंत्र भी बता रखा है, इसी ध्यान मंत्र को आपको जपना है, जिसका मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके डाल दिया है। तो इस ध्यान मंत्र को पढ़ने के बाद ही मंत्र का साफ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको इससे पहले गुरु से इस मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए, उसके बाद 6 लाख इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जो मंत्र दिया गया है उसका 6 लाख जाप, उसका फिर दशांश होम करना, फिर दशांश तर्पण और दशांश मार्जन, और उसका दशांश ब्राह्मण भोज कराना चाहिए, मतलब ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए, सभी विद्याओं को करने के लिए आवश्यक होता है। इस मंत्र के साथ में पाशुपतास्त्र स्त्रोत का भी पाठ कर लेना चाहिए और पाशुपत मंत्र की 1 बार आवृत्ति करने से ही मनुष्य संपूर्ण विघ्नों का नाश कर सकता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि शस्त्र को धारण करने से मतलब है, यहाँ पर यह भी है कि इस मंत्र की अगर आप सिद्धि करते हैं तो इससे आपके जो समस्त उत्पात होंगे, कोई समस्या आई होगी वो भी आपके मित्र दुश्मन की तरह ही है, तो उसका 1000 गुना असर डाल के उस जो भी आपका दुर्भाग्य है, आपका कष्ट है, उसको नष्ट कर देगा यह अस्त्र और इस मंत्र का जो है प्रभाव। तो इसमें आपको करना क्या होता है, इस मंत्र में घी और गुगुल से होम करना चाहिए, यानी कि घी और गुगल्स मिला करके आपको हवन करना है और इससे आप असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर लेंगे। और इस मंत्र के पाठ मात्र से जब ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो क्लेशों की शांति हो जाती है और आप में इतनी तीव्र ऊर्जा भर जाती है कि फिर आपका कोई दुश्मन नहीं रह जाता। अगर कोई दुश्मनी करेगा तो उसका विनाश ये मंत्र अवश्य कर देगा, ऐसा समझना चाहिए। तो ये था आज का मेरा पाशुपतास्त्र साधना का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।